Assalamu alaikum viewers, welcome to Scholar Institute. I am glad that you tune in with me. So viewers, आज हम discuss करने जा रहे हैं guest papers, BA, BS, इसकी compulsory English 1 है, इसका code है 1423. So हम लोगों को paper में किस तरह की preparation करनी चाहिए और मौजूदा पेपर्स में आपको किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं तो हम उस पर बात करेंगे. सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं, पेपर को मैंने डिवाइड किया है मार्क्स के हिसाब से कि किस परसेंटेज के हिसाब से कितने क्वेश्चंस आते हैं किस पोर्शन में से. सो 10-30% जो पेपर बेस करता है वो इन दो पोर्शंस पे बेस करता है. फर्स्ट है जी फंक्शन और सेकंड है स्ट्रक्चर. फंक्शन, एज यू नो, फंक्शन यानी कि चीजें काम कैसे करती हैं उनसे रिलेटेड. सो ये यूनिट नंबर 1 है आपका आस्किंग क्वेश्चंस. उसमें आपको ये एक्सरसाइज करवाई गई हुई है कि आपने अगर किसी से क्वेश्चन पूछना हो इंग्लिश में तो आप उसे किस तरह पूछेंगे. सो इस पे ऑलरेडी लेक्चर्स मेरे मौजूद हैं तो आप जाकर चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके जो कि अरेंज कर दी गई हैं उसमें से जाके आप लेक्चर्स देख सकते हैं. सेकेंड जो ऑप्शन होती है WHY क्वेश्चंस. WHY क्वेश्चंस कौन से होते हैं जो व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट वगैरह से रिलेटेड होते हैं वो WH क्वेश्चंस कहलाते हैं. एंड देन क्वेश्चन टैगिंग, क्वेश्चंस को टैग किया जा सकता, कैसे किया जाता है. जैसे मैं पूछूं आर यू ओके, आरंट यू, या आप ठीक हैं, क्या क्वेश्चन मैंने टैग किया क्या आप ठीक नहीं हैं. सो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो क्वेश्चन टैगिंग में आते हैं. ये आपका यूनिट नंबर 1 है 1423 का. सो आप उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें. उसमें से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता है बट इन तीनों में से किसी एक पर आएगा या वो डायरेक्ट आपको आंसर देंगे, कहेंगे कि इसे कन्वर्ट करें क्वेश्चंस बनाएं, या वो आपको WH क्वेश्चन से कह सकते हैं कि आपको कोई सिचुएशन दी गई हो या आपको जनरली कहा जाएगा आप 5 या 10 जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप मोल्ड करें जिसमें WH ऑप्शन जो है वो यूज की गई हो. या आपसे क्वेश्चन टैगिंग पर भी पूछा जा सकता है. समटाइम्स आपको मनफी जुमला दिया जाता है तो उसकी टैगिंग करनी होती है और समटाइम पॉजिटिव होता है उसे टैगिंग करनी होती है. राइट जी. सेकंड जो ऑप्शंस होती है वो स्ट्रक्चर की होती है. स्ट्रक्चर्स, ये इसमें से क्वेश्चन लाजमी कोई ना कोई आता है. सपोज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, इस पे ऑलरेडी लेक्चर मौजूद है आप देख सकते हैं. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, समटाइम आपको डायरेक्ट सेंटेंसेस दिए जाते हैं और समटाइम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों. डायरेक्ट दिए गए हों तो इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं उनमें इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करें और अगर इनडायरेक्ट दिए हों तो उन्हें कहा जाता है डायरेक्ट सेंटेंसेस में कन्वर्ट किया जाए. सेकंड ऑप्शन है मॉडल वर्ब्स. मॉडल वर्ब्स पे आपको मॉडल वर्ब्स दिए गए होते हैं वुड, शुड, कैन, कुड, माइट. सो आपको इन पर सेंटेंसेस खुद से फॉर्मुलेट करने होते हैं. सो आई मस्ट प्रेफर कि आप ये क्वेश्चन जरूर तैयार करें और उन सेंटेंसेस को अच्छे तरीके से याद कर लें. एक्टिवाइज एंड पैसिवाइज, एक्टिवाइज को समटाइम्स कन्वर्ट करना होता है पैसिवाइज में या पैसिवाइज को एक्टिवाइज में. समटाइम मिक्सर दिया होता है, कुछ सेंटेंसेस एक्टिवाइज होते हैं और कुछ सेंटेंसेस पैसिवाइज होते हैं और उनको वाइस वर्सा में कन्वर्ट करना होता है. नेक्स्ट इज करेक्ट सेंटेंस अकॉर्डिंगली टू सेंटेंसेस. सेंटेंस के मुताबिक आपने क्या करना है, आपने जुमलों को दुरुस्त करना होता है. ये क्वेश्चन भी अक्सर आता है बट इनमें से कोई एक ही सिचुएशन आती है. जैसे फंक्शन में से कोई एक आएगा, इसी तरह स्ट्रक्चर में से एक ही आता है. बट ये वो मोस्ट ऑप्शंस हैं जो आपसे ज्यादा से ज्यादा पेपर्स में पूछी जाती हैं. मैं आपको यहाँ बताती चलूं पेपर पैटर्न्स भी चैनल पे मौजूद हैं, आप वो देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. नेक्स्ट जी, जो 50-80% जो पेपर है वो बेस करता है ये ऑप्शंस हैं लेटर पे, एप्लीकेशन पे, और यहाँ आपको एक साथ में पैराग्राफ और ऐसे लिखना होता है. ठीक है जी, हम इस पे फर्दर पॉइंट बाय पॉइंट बात करते हैं कि ये है कैसे. राइट, सबसे पहले हम बात करते हैं जी लेटर. लेटर आपको आएगा, समटाइम्स फॉर्मल लेटर भी आ जाता है या क्या है इनफॉर्मल लेटर भी आ जाता है. दोनों तरह के आ जाते हैं, इनफॉर्मल या पर्सनल लेटर ये भी आ जाता है और समटाइम फॉर्मल लेटर भी आ जाता है. अब लेटर में अपोलॉजी,
ठीक है, किसी से आपने माजत करनी है, कुछ सिचुएशन है, आपसे कोई गलती हो गई है, तो आप अपोलॉजी कर सकते हैं। आप एग्जामिनेशन में आपने कम मार्क्स लिए हैं, ये फेल हो गए, पेपर मिस हो गए हैं, तो फादर को लेटर लिखें और अपोलोजाइज करें और प्रॉमिस करें कि नेक्स्ट टाइम आप ऐसा नहीं करेंगे, या आप अच्छे तरीके से स्टडी कंटिन्यू करेंगे। या जो लेटर है वो इस तरह का भी हो सकता है जिसमें आपने अपने दोस्त को या अपने कजन को एडवाइस देनी होती है, सजेशन देनी होती है। जैसे लास्ट टाइम आया था उसमें आपको एडवाइस या सजेशन देनी थी। सपोज आपसे इस तरह का भी क्वेश्चन लेटर लिखने को कहा जा सकता है कि आप ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, सो आपका कोई फ्रेंड या आपका कजन आपसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, तो आप उसे सजेशन दें या उसे एडवाइस करें कि वो किस तरह एडमिशन ले सकता है और किस तरह ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो एक बेहतर अंदाज में तालीम के सिलसिले को जारी और सारी रखी हुई है, और ये आपके लिए मुफीद है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या हो सकती है जी, इनविटेशन लेटर। इनविटेशन लेटर में वेडिंग, बर्थडे, वेकेशंस, मेन आप छुट्टियां गुजारने के लिए अपने फ्रेंड को बुलाएं, आपकी बर्थडे है वहां बुलाएं, या आप शादी है बहन या भाई की आपकी अपनी उस पे बुलाएं। सो ये ऑप्शंस हैं। आई मस्ट से कि आप ये तीनों तरह के लेटर्स एक एक जो है वो आप तैयार जरूर करें, इंशाल्लाह इसमें से आपको जरूर क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट जी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन एक ही आपके सिलेबस में, वो है जॉब एप्लीकेशन। ऑलरेडी इस पे लेक्चर भी अवेलेबल है और एप्लीकेशंस मैंने वैसे भी आपके साथ शेयर किए, आपकी बुक में भी है, तो वो एक एप्लीकेशन आप याद कर लें अच्छे तरीके से, ठीक है। उसमें ऑप्शन डिफरेंट हो सकती हैं, डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं, बट एक पैटर्न जो होता है एप्लीकेशन का वो सेम है। पैराग्राफ, पैराग्राफ जरूर आता होता है इसमें। सोशल मीडिया आजकल के लिहाज से अगर आप देखा जाए, जो इस टाइम मुल्क की सूरत हाल जा रही है, क्योंकि लास्ट टाइम जैसे कोविड था, पेंडेमिक की मैंने ऑप्शन दी थी स्टूडेंट्स को, कहा था कि पेंडेमिक पे जरूर तैयार कीजिएगा, और वो भी क्वेश्चन आया भी था। सो आप सब लोगों से भी यही कहूंगी कि आजकल जैसे सियासत के हालात हुए हैं, सोशल मीडिया पे कंपेन चल रही है हमारी जो पाक फौज है उसके खिलाफ, सो इस टाइप के और इश्यूज हैं, सो सोशल मीडिया के बेनिफिट्स और उसके जो डैमेजेस हैं उन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करें, और उस पर आप सजेशंस दे सकते हैं कि सोशल मीडिया के हैंडल्स जो होते हैं उनको किस तरह आप जो है एक पाइपलाइन में ला सकते हैं, या आप अपना कंट्रोल उस पर हासिल कर सकते हैं, उस पर गवर्नमेंट को इफेक्टिवली कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉलिटिक्स, आजकल पॉलिटिक्स के क्या हालात हैं, तो आई मस्ट से इस पे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि ये पिछले 2-3 महीनों से ऐसी सिचुएशन थी, और अब ये पिछले कुछ दिनों से तो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है, तो पॉलिटिक्स पे कोई ना कोई पैराग्राफ आपको लिखने के लिए दिया जा सकता है। इलेक्शन कंपेन्स, इलेक्शन में कंपेन्स कैसे चलाई जाती हैं, किस तरह का अपना नैरेटिव जो है बिल्ड किया जाता है, कैसे आप आवाम को अपनी अपनी पार्टी की तरफ जो है वो अट्रैक्ट करते हैं, सो ये तमाम स्ट्रेटेजीज आएंगे। और एनवायरमेंटल पोल्यूशन, पोल्यूशन पे यूजुअली आता है क्योंकि अब ये गर्मी आ रही है तो ग्लोबल वार्मिंग में आ सकता है, इसके अलावा जो है हमारे यहाँ इतनी ज्यादा पोल्यूशन है और डिफरेंट टाइप्स के इश्यूज हैं, तो ये एक जनरल टॉपिक ऐसा होता है जिसपे यूजुअली टॉपिक पे लिखने के लिए दे दिया जाता है। नेक्स्ट जी ऐसे, ऐसे मोस्टली दो तरह के ऐसे आपके पेपर में आते हैं, एक है जी डिस्क्रिप्टिव ऐसे और एक है नैरेटिव। डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, जिसमें आपको डिस्क्राइब करना होता है, जैसे सोशल इवेंट कोई हो सकता है, अगर आपको कोई देखा जाए कि जी आपने कोई जलसा देखा है उसका आंखों देखा हाल लिख दें, ठीक है, या कोई और भी इस तरह का आ सकता है, वो नैरेटिव में आ जाएगा। इसी तरह रिलीजियस रिचुअल्स हैं उस पे लिखने को आ सकता है, या तो आपको कहा जाएगा आंखों देखा जो कि नैरेटिव में आएगा, या फिर आपसे ये कहा जाएगा कि आप जनरली एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, कि आपको आर्गुमेंट बिल्ड करना होगा, सोशली भी हो सकता है, रिलीजियस भी हो सकता है, और स्पोर्ट्स इवेंट जैसे कि आपने कोई मैच देखा है उससे रिलेटेड आपसे कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है, ठीक है जी। अब ये है वैसे अ स्टोरी फ्रॉम योर चाइल्डहुड, अपने बचपन से कोई कहानी शेयर करें, या योर फर्स्ट ट्रिप टू अब्रॉड, विलेज, स्कूल, कॉलेज, आपने कोई अपना ट्रिप है जो आपने बाहर का था, या किसी गांव का था, या स्कूल का, या कॉलेज का था, तो ये आपका नैरेटिव ऐसे में आ जाएगा, ठीक है। तो आपने ऐसे जरूर तैयार करना है, डिस्क्रिप्टिव भी और नैरेटिव भी। आई मस्ट से आजकल प्रोटेस्ट जिस तरह हो रहा है, तो पॉलिटिक्स के रेफरेंस से आप लिख सकते हो, आपने कोई इमरान खान का अटेंड किया है, पीपल पार्टी का अटेंड किया है, या जैसे नवाज है, कोई भी वर्ड्स एवर जिसके भी आप हैं, जो जिसको आप लाइक करते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आपने अटेंड किया है, तो वो तैयार करें, अदरवाइज नेट पे अवेलेबल है, वहां से भी आप कोई ना कोई इस रेफरेंस से जरूर जो है वो प्रिपेयर कीजिएगा। नेक्स्ट जी
10% पेपर जो बेस करता है रीडिंग में, अब रीडिंग में ये कुछ ऑप्शंस दी हुई होती हैं, उसमें उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। यहाँ मैं आपको कुछ टॉपिक मैंने लिख दिए हैं, ये आपने बुक से प्रिपेयर कर लेने। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आपको दिया जाता है पैराग्राफ, उसमें सिनोनिम्स दिए हुए होते हैं और कहा जाता है इसके एंटोनिम्स जो है वो बनाए जाए। इसी तरह डिफाइन स्कीमिंग एंड स्कैनिंग, स्कीमिंग क्या होता है, स्कैनिंग क्या होता है, स्कीम करना होता है कि चीजों को मुख्तसर करके पढ़ना, और स्कैन होता है बहुत थारोली और एक अच्छे तरीके से उसके एक एक चीज को अंडरस्टैंड करना। डिफाइन द मेन आइडिया, मेन आइडिया को डिफाइन करना है आपने। कोई भी आपको पैराग्राफ दिया होगा उसमें कहा जाएगा कि इसे रीड आउट करें और इसका जो मेन आइडिया है वो लिखें। सपोज वो पॉलिटिक्स के बारे में है, स्पोर्ट्स के बारे में है, सोशल मीडिया के बारे में, रिलीजन के बारे में, सो उसका जो मेन आइडिया होगा ये साइंस से रिलेटेड है, वो आपने निकाल के लिखना होगा। टॉपिक सेंटेंस, टॉपिक सेंटेंस के आपको पता है कि पैराग्राफ जब स्टार्ट करते हैं तो हम उसको एक टॉपिक सेंटेंस देते हैं और उस टॉपिक सेंटेंस में ही बेसिकली आपने वो जो पूरा पैराग्राफ लिखना होता है उसकी मेन क्रक्स को वहां पर जो है डिस्क्राइब किया जाता है, तो वो आप निकालना होगा। कंक्लूडिंग सेंटेंस, एंड पे जब हम कंक्लूडिंग रिमार्क्स लिखते होते हैं या पैराग्राफ एंड कर रहे होते हैं तो वहां हम कंक्लूडिंग सेंटेंस लिखते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। इस पे लेक्चर्स मौजूद हैं, जब आप उसे पढ़ लेंगे तो आप डेफिनेटली पैराग्राफ्स में से रीडिंग के इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सपोर्टिंग सेंटेंसेस, सपोर्टिंग सेंटेंसेस कौन से होते हैं, मीन जो हम अपना आर्गुमेंट बिल्ड कर रहे होते हैं तो वहां हम अपने कुछ सेंटेंसेस सपोर्ट के लिए यूज करते हैं, तो वो तमाम जो है वो सपोर्टिंग सेंटेंसेस होते हैं। टॉपिक सपोर्टिंग डिटेल, टॉपिक जो है उसमें जो डिटेल्स होती हैं उस टॉपिक को जो सपोर्ट कर रही होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, सो स्टूडेंट इसके लिए आपको थोरली इसको रीडिंग के पोर्शन को देखना होगा। इस पे मेरी लेक्चर मौजूद है तो आप वो अगर देख लें वो सफिशियंट होगा। इसके अलावा मैंने एक प्ले लिस्ट अरेंज किया है जिसमें प्रेपरेशन, एग्जाम प्रेपरेशन है, अगर आप जाएं तो आपको इस तमाम जो मैंने आपको गैसेज यहाँ दिए हैं उससे रिलेटेड वहां पर आपको समझाया गया हुआ कि किस तरीके से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। सो आपके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपने पूरी बुक नहीं पढ़ी है तो प्लीज आप इस पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग, इस गैस पेपर के अकॉर्डिंग अपने पेपर को तैयार करें और अपने एग्जाम्स में अपीयर होने की तैयारी करें। होपफुली आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मुझको दीजिए इजाजत, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, अल्लाह हाफिज़।